संदोसी के बनियाखेड़ा ब्लॉक परिसर के सभागार में महिला शक्ति पेज थ्री के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में जिला जज संभल राज्य महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी ने अपने विचारों को रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कार्य कर रही है। आज महिलाएं अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। आंगनबाड़ी समूह, बाल विकास महिला समूह, इन सब पर सरकार निरंतर विकास के कार्य कर रही है। और क्या कुछ कहा राज्य महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जो हमारे महिला आयोग की सदस्य हैं श्रीमती राखी त्यागी जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसमें महिलाओं के उत्पीड़न और उनके सशक्तिकरण पर और वो कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं योगी जी की सरकार में, इस पर हम लोगों ने चर्चा की है। और जहाँ तक है सब महिलाएं खुश हैं, जन सुनवाई बहुत अच्छे तरीके से हुई, 8-10 मामलों का तुरंत हाल में वहाँ पे जज भी उपस्थित थी, तो उनकी उपस्थिति में हाथ के हाथ ही निस्तारण किया गया। जज के रूप में कौन उपस्थित थी? जी जज के रूप में कौन मौजूद था? श्रीमती बबीता पाठक जी उपस्थित थी आज। तो कितनी जगह जज है, कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया आज? 8 से 10 शिकायतें तुरंत हाल के हाथ निस्तारण हुई है, बाकी सब नोट डाउन हुई है, बहुत जल्दी वो उनको निस्तारण मिलेगा। निस्तारण किया जाएगा। महिला शक्ति का कार्यक्रम आयोजित हुआ, आपकी उपस्थिति हुई है, क्या कहना चाहिए? बहुत सुंदर कार्यक्रम जो आपने भी शरीक होकर देखा, उसमें महिलाओं के ऊपर अपार योजनाएं जो जन जन तक जा रही हैं, आंगनवाड़ी समूह आशाएं, इनका मतलब घर के आंगन तक जाना और उत्तर प्रदेश की योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाना, केंद्र की योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाना, तो आज का यही कार्यक्रम था। महिला सफल हो और उत्तर प्रदेश की केंद्र की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाए, महिलाओं का विकास हो, निर्बल हो, मजबूत हो महिला।